बॉल्स हमने बनाए, इसके अंदर चैटर चीज डाल देंगे इस ब्रेड क्रम्स में, इसको किस तरह से रोल रहे इसको हम इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते होंगे। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट्स में बताया करें और मुझसे आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ वो है किड्स फेवरेट रेसिपी, इसको कहते हैं चीज़ बॉल। ये भी बहुत कम इंग्रीडियंट्स में बन जाती है, ऑलमोस्ट वही इंग्रीडियंट्स होती हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं और ये किड्स की भी बहुत फेवरेट है। इसको आप उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और एज एन स्नैक भी उनको दे सकते हैं और ये बहुत यमी होती है क्योंकि इसमें चीज़ पड़ी हुई है और चीज़ तो किड्स की फेवरेट होती ही होती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हेयर आर द इंग्रेडिएंट्स। दिस इज द पोटैटो एंड आई एम यूजिंग 250 ग्राम ऑफ पोटैटो, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और ये है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। इसको हम यूज़ करेंगे अपने कोटिंग के लिए। कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे हम और इधर हम यूज़ करेंगे चैडर चीज़। तो चले अब हम क्या करेंगे, पोटैटो में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट गया इसमें और ये गया गार्लिक पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। जी गाइस, देखिए मैंने पोटैटो में सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और मैंने ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाल दिया था, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह से बॉल्स बनाएंगे और इसके अंदर हम करेंगे चेडर चीज़ की फिलिंग। तो चलें इसको मैं फिल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से एक बीच में बेल बनाया और इसमें हम अब चेडर चीज़ की फिलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको डाल देंगे, अगर थोड़ी बहुत नीचे भी गिर जाएगी तो कोई इशू नहीं। इसके बाद इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसकी अच्छी सी हम बना देंगे बॉल। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉल्स बना के रख दी हैं, तो ये इस तरह से आपकी बॉल्स रेडी हो जाएंगी। और इसके बाद फिर हम इसको जो कॉर्न फ्लोर था इधर मैंने इसमें पानी डाला था, इसको इस तरह से डाइल्यूट कर लिया और साथ में रखा है ब्रेड क्रम्स। ऑफकोर्स ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे इसको कोट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी कोटिंग बेसिकली होगी इससे, प्लेन सॉरी कॉर्नफ्लावर जो हमने यूज़ किया यहाँ पे और ये ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप दे दिया है, आपके सामने फ्लिंग की थी, ये देखें कितनी अच्छी सी ये बॉल बन गई है। इसी तरह से मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ, फिर इसकी कोटिंग करूँगी और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए थे और मैं अब एक आपके सामने बताती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। बॉल्स हमने बनाए इसके अंदर चेडर चीज़ डाल के इस तरह से, उसके बाद हम इसको डालेंगे इस कॉर्नफ्लावर में। इस तरह से अच्छे से इसको डिप करना है, रोल करना है ताकि ये हर तरफ से कॉर्नफ्लावर को जो हमने डाइल्यूट किया था ये बन जाए मिक्सचर, इसमें अच्छे से कोटिंग इसकी करनी है। इसके बाद हम इसको डाल देंगे इस ब्रेड क्रम्स में, इसको भी किस तरह से रोल 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 करेंगे ताकि हर तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स कोट हो जाए। बस अब इसको हम इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारी बॉल्स को इस तरह से रेडी कर लिया है, कोटिंग भी कर ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ठीक है, ऑयल जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप डीप फ्राई कोई चीज़ करें तो उसके लिए ना आप ये सिल्वर की जो होती है ना ये वाली कढ़ाई यूज़ किया करें, तो इससे ज़रा ऑयलिंग जो है ना अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब उसको हम डाल देंगे इस तरह से और फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और उतनी ही डालेंगे जितनी आपके स्पेस होगा, ओवरफ्लो नहीं करना है। ठीक है, चलें अब मैं इसको करती हूँ और दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, ये इसका फाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लंच बॉक्स में दीजिएगा, स्नैक टाइम पे दीजिएगा, जैसे आपके बच्चे पसंद करें वैसे दीजिएगा और अपने हस्बैंड को भी दीजिएगा और बहुत सारी दाल वसूल कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलूंगी बहुत ही अच्छी ईजी शानदार सी रेसिपी के साथ और आप लोग मुझसे अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।